हेलो स्टूडेंट्स आई मिली यादव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ए टूट मैथ क्लास टेंथ आर एस अग्रवाल न्यू एडिशन एक्सरसाइज थर्टीन ए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी फोर हम सॉल्व करने वाले हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है आपका वन प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इन थीटा थीटा तो जैसा कि आपको यहाँ पर प्रूफ करना है हाथ थीटा तो हम इसमें एल ले लेते हैं एल वाले पार्ट में आपको दिया हुआ है वन प्लस कॉस्ट थीटा हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें वन माइनस में साइन स्क्वायर थीटा एन प्लस कॉस्ट थीटा बस हमने क्या किया साइन को इधर रख दिया कॉस को इधर रख दिया फिर अपॉन में है आपका साइन थीटा एंड वन प्लस कॉस थीटा आपकी एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जहाँ पर आपका ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर आप वन माइनस में साइन स्क्वायर थीठा रख सकते हैं जहाँ पर आपको वन माइनस साइन स्क्वायर थीठा वहाँ पे आप कॉस स्क्वायर थीठा रख सकते हैं तो यही चीज़ हम यहाँ पर क्या कर देंगे पुट कर देंगे तो हम ऐसे क्या करेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कॉस स्क्वायर थीठा रख देंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीठा प्लस कॉस थीठा अपॉन में साइन थीटा एंड वन प्लस थीटा अब आप इसमें कॉस्ट थीटा थीटा कॉमन देख रहे होंगे तो हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे यहाँ पर बचेगा थीटा प्लस वन डिवाइड बाई सा थीटा कॉस्ट थीटा प्लस वन ये भी है कॉस्ट थीटा प्लस वन ये भी है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस्ट थीटा प्लस वन तो ये आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा फिर आपका क्या बच रहा है केवल थीटा अपॉन में साइन थीटा बच रहा है थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है और थीटा होता है एंड फिर आप देख सकते हैं कि आपका आरएचएस है इस तरह से हम कह सकते हैं ये आरएचएस आपका आ गया therefore एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस यानी हैंडस्प्रू तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर टwenty three का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर twenty four है आपका कौसेक थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड बाय कौसेक थीटा माइनस कॉट थीटा यहाँ पर आपके दो आर एच एस हैं यानी एक है आपका कौसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर एंड दूसरा है वन प्लस कॉट थीटा प्लस कौसेक वन प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस टू कॉसिक थीटा इंटू कॉट थीटा तो हम सबसे पहले इसका ये वाला फॉर्मेट ले लेते हैं तो यानी आपको यहाँ से मैं सॉल्व कर रही हूँ आपको मैं यहाँ पर एल एच एस ले लेती हूँ एल एच एस में आपका दिया हुआ है थीटा प्लस थीटा डिवाइड कसे थीटा माइनस में थीटा, जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन होता है तो आप इसके कॉन्ज्रोगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का कॉन्ज्रेट होगा कॉसेक थीटा प्लस क्वाट थीटा और अगर यहाँ पे प्लस होता तो माइनस से करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कॉसेक थीटा प्लस क्वारीटा का हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कॉसिक थीटा प्लस क्वा थीटा तो फिर इसको करने से क्या होगा अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कौसेक थीटा प्लस वन कौक थीटा प्लस सॉरी कौशिक थीटा प्लस थीटा और इसका कौशेक थीटा प्लस क्वा थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा यानी आपका हो जाएगा कौसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ए माइनस बी और ए प्लस बी ये आपका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा अब आपकी एक आइडेंटिटी होती है कौसिक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन तो यहाँ पर हम वन पुट कर देंगे इसके अकॉर्डिंग तो जैसे ही वन पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कौसिक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय वन अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा लेकिन उसके पहले आप देख सकते कि हमारा फर्स्ट वाला आर एच एस आ चुका है तो हम लिख सकते हैं दिस इज अ आर एच एस अब हम यहाँ पर क्या करेंगे नाव अगेन सॉल्विंग इसको क्या करेंगे इसको फिर से सॉल्व करेंगे क्यों सॉल्व करना पड़ रहा है क्योंकि अभी हमें इसका अच्छा के नाराचस्प प्रूफ करना है दोबारा सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला वो होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी अब हम यहीं पर पुट करेंगे तो कौसिक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू थीटा इंटू कॉट ठीटा अब हम यहाँ पर लेकिन हमारे इस आर एच एस में ये तो आ जा रहा है टू इंटू कौसिक थीठा इंटू कॉट थीटा लेकिन वन प्लस टू कॉट स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पर तो cosec आ रहा है तो इस कॉसिक को हमें कॉट के फॉर्म में लिखना होगा तो जैसा कि आपकी ये आइडेंटिटी थी कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन अगर आपको इसे कॉट के फॉर्म में लिखना होगा तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कॉसिक स्क्वायर थीटा इस वन को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस क्वाट उधर जाएगा तो प्लस क्वाट स्क्वायर हो जाएगा यानी कॉसिक स्क्वायर थीटा सॉरी एक चीज़ यहाँ पे हो गया एक ये आइडेंटिटी बनेगी आपकी लेकिन आपको तो कॉट के फॉर्म में लाना है ना तो आपको जहाँ पर कॉसिक थीठा उसको कॉट के फॉर्म में लिखना है तो आप क्या करेंगे कॉसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा लिख देंगे क्यों कर देंगे क्योंकि आपको यहाँ पर ना कॉसिक थीटा है और कॉसिक थीटा की जगह पर ही आपको पुट करना है तो आप यहाँ पर क्या पुट करेंगे वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पुट करेंगे और ये हो गया आपका प्लस में क्वाट स्क्वायर थीटा क्वाट स्क्वायर थीटा प्लस टू थीटा इन टू थीटा ये हो गया अब हम इसको करेंगे सॉल्व तो ये हो गया हमारा वन प्लस कॉट स्क्वायर ये स्क्वायर थीटा ये भी क्वार स्क्वायर थीटा यानी ये हो गया टू क्वार स्क्वायर थीटा और ये हो गया प्लस टू कॉसिक थीटा इंटू कॉट कॉटा एंड ये हमारा सेकेंड में भी आर एच एस आ गया है इस तरह से हम कह सकते हैं डेयर फोर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस यानी हैंड्स प्रूट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी फोर का सॉल्यूशन वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग